खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू ब्लॉक सभागार में प्रधान संगठन के प्रधानों ने गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक किया। उसके बाद अपनी समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए बीडीओ को ज्ञापन सौंपा है। मामला बबेरू खंड विकास अधिकारी सभागार का है, जहां सोमवार को प्रदेश प्रधान संगठन के निर्देशन में ग्राम पंचायत के विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक सभागार में प्रधानों के साथ बैठक किया, जिसमें समस्त प्रधान संगठन प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सभी ब्लॉक परिषद में काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया, जिसमें सरकार द्वारा आयोजित ग्राम चौपाल कार्यक्रम का भी पूर्णतः बहिष्कार किया। इन्हीं समस्याओं को लेकर 15 सूत्री ज्ञापन में मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायत के खाते में भेजा जाए, जनपद में मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों का बकाया मटेरियल हुआ लेबर के पैसों का तत्काल भुगतान कराया जाए, ग्राम प्रधान और अन्य ग्राम पंचायत के संविदा कर्मियों का मानदेय विद्युत बिल का भुगतान की धनराशि पंचायत में उपलब्ध कराई जाए, गौशाला का पेमेंट कराया जाए, प्रधान को 30,000 का मानदेय किया जाए। इसी प्रकार 15 सूत्री मांगों को लेकर बैठक किया। उसके बाद नारेबाजी करते हुए खंड विकास अधिकारी के नाम एडीओ आईएसपी अनिल कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सभी प्रधानों ने कहा कि अगर गौशाला का शेष धनराशि 20 जनवरी तक नहीं दिया जाता तो समस्त ग्राम प्रधान गौशाला से गौवंश को छोड़ने को मजबूर होंगे और जल्द ही मांगे नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस मौके पर प्रधान संघ के अध्यक्ष सुरेश सिंह, प्रधान रामवरण सिंह हिमांचल यादव, प्रधान प्रतिनिधि मुलायम सिंह यादव, गया प्रसाद, गयादीन रामलखन, कंचन वर्मा, सविता देवी सहित अन्य ग्राम प्रधान मौजूद रहे। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आज सभी जो है क्षेत्र से आए हुए प्रधान साथी अपनी जायज मांगों को लेकर के ब्लॉक परिसर में श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी उनके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। उसमें हम लोगों की प्रमुख मांगें यह हैं कि जो मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूर हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आप दो बार करके आइए और दो बार फोटो जो हो खिंचवाइए, जो कि संभव नहीं हो पा रहा। नेटवर्किंग व्यवस्था न सही चल पाने की वजह से मजदूर जो है एक बार आता है दोबारा आने के लिए इनकार करता है कि मुझे वो नहीं है समय कि मैं दिन भर एक ही काम में आकर के दो बार या तीन बार फोटो खिंचवाऊँ। तो ये जो है व्यवस्था को जो समाप्त किया जाए, जो पुरानी व्यवस्था जैसे थी वैसी व्यवस्था के तहत ही जो है मजदूर नरेगा वाले काम करने को तैयार हैं। गौशालाओं की क्या स्थिति है? दूसरी बात यह है कि गौशालाओं का पेमेंट बहुत महीनों से बकाया हुआ है, केवल अभी मार्च से इधर का जितना भी भुगतान है वो सभी गौशालाओं का बकाया है, जिससे प्रधान साथी कैसे व्यवस्था उसकी कर पाए। अगर ये समस्या हमारी सुनी जाती है या इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता है तो आगे तो क्या प्रधान साथी आगे चल करके मजबूरन गौशाला से गायों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और क्या करेंगे। कोई और इसके अलावा जो है उपाय नहीं दिखाई दे रहा। हम इसके पूर्व में 9 जनवरी को भी ज्ञापन माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय और जिला अधिकारी महोदय को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है जी। और यह आंदोलन हमारा निरंतर आगे भी चलता रहेगा जी। यदि समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो अब ये आंदोलन शुरू हुआ है। अभी हम सड़कों पर उतर करके और इस प्रदर्शन को पूरे जोरदारी के साथ पूरे प्रदेश में भरपूर तरीके से जो है चलाया जाएगा, जिससे हमारी इन मांगों को जो है माना जाए और हमारी इन समस्याओं का समाधान किया जाए। क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव, प्रतिनिधि ग्राम प्रधान मरका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सविता देवी है, मैं आगवा ग्राम प्रधान हूँ। जो आज बैठक हुई है और ज्ञापन दिया गया है, किस प्रकार की बैठक है ये? ये बैठक गौशाला की समस्या के लिए बैठाई गई है। इसमें जो है गौशाला का पैसा जल्दी आता नहीं है और सारे प्रधान भाई जो है परेशान होते हैं। अच्छा। और ठंड में जो है जानवर पीड़ित होकर मर भी जाते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा मतलब प्रधानों के ऊपर दबाव आता है, इसलिए मतलब आप लोगों को समय से पैसा नहीं मिलता इसलिए गौशाला नहीं चल पा रहा। हाँ, गौशाला नहीं चल पा रही इसलिए समय से गौशाला का पैसा अगर नहीं आएगा तो फिर। और नरेगा की जो समस्या है वो क्या है? नरेगा की समस्या इसमें बार बार फोटो ले, कभी लेबर जाती है नहीं जाती काम पे,
तो ये आप लोग क्या चाहते हैं? इन सारी समस्याओं को जो है खत्म किया जाए और सही तरीके से जो पहले जैसे चल रही थी उसी तरह पंचायतें जो है चले।